बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो, बच्चे आंख बंद कर। I'm about to skip this shit. Skip, skip. But when does this game get fucking good? आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे थे बिल्कुल भी नहीं गाइस, बल्कि इन लोगों ने बहुत टाइम से पानी का बिल नहीं भरा था, इसलिए शान को इस लड़की की गंदगी और चॉकलेट दोनों ही चाट कर साफ करनी पड़ रही है। क्या साबित करना चाहता है तू? देखो देखो देखो, ऐसे चाट रहा है जैसे चॉकलेट नहीं लोगों का दिमाग हो, क्योंकि खुद के पास तो है नहीं। और ऐसा नहीं है कि शुरू से नहीं था, पहले इसके पास बहुत दिमाग था, पर इसने अपने मुंह के साथ साथ अपने दिमाग के ऊपर भी मेकअप कर करके उसे भी खत्म कर दिया। और अब तो इसे ख्याल भी ना सिर्फ फाउंडेशन और पाउडर के ही आते हैं, क्योंकि इसकी जिंदगी में और कुछ तो बचा नहीं है। थोड़ी बिहारी खतरनाक थी हमारी, हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। और इस मोहतरमा की तो क्या ही कहने, इससे अच्छी तो मुझे डोरेमोन की शिज़ुका लगती है, जिसने एंड तक भी लिस्ट में सिर्फ नोबितो और डेकीसुकी को ही रखा था। तकलीफ होती है। अरे इतने तो YouTube पर रोज नए नए क्रिएटर्स नहीं आते जितने इसके नए नए बॉयफ्रेंड्स आ जाते हैं। और इतनी जल्दी तो IPL का मैच नहीं खत्म होता जितनी जल्दी ये उन्हीं बॉयफ्रेंड्स के साथ हल्दी मेहंदी संगीत और शादी भी कर लेती है। रज चाहिए क्या हो रज को? अरे लड़की है जियो के सिर्फ किसी के साथ भी फिट बैठ जाती है, और एक साल के फ्री के रिचार्ज की तरह इन लोगों को भी एक साल का फ्री का फेम और पॉपुलैरिटी दे जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो हमारी दोबारा से होने वाली है इस मेकअप की दुकान और अश्लीलता की क्वीन के नाम। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैं इस बंदे के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, पर कहते हैं ना जो एक बार में सुनता नहीं मेरी बात, उसी से तो मैं करवाता हूँ तुम लोगों की मुलाकात। ये कोड भी गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। इसके बारे में तो मुझे बात करनी ही नहीं है, इसको तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि इसके शरीर पर कपड़ों से ज्यादा मुंह पर मेकअप लगा होता है। Hey, I'll come look at this. मैं मानता हूँ राखी दुनिया की पहली लड़की नहीं होगी जिसे प्यार हुआ, जिसकी शादी हुई, जिसका डिवोर्स भी हुआ, पर शायद आखिरी जरूर होगी जिसको 100 बार प्यार हुआ, 50 बार शादी हुई, 200 बार ब्रेकअप हुआ और 100 बार डिवोर्स हुआ। क्या सोच है रे तेरी? और फिर ऐसी हालत भी हुई। ये मेरी जिंदगी खराब की है इसने। देखो मैं मानता हूँ कि फेमस होने के लिए 100 में से 99 एक्टर्स यही करते हैं कि जब भी वो कहीं जाते हैं उससे पहले वो मीडिया वालों को उस जगह पर बुलवा लेते हैं, पर जब से मैंने राखी की वीडियोस देखना शुरू करी है ना, तब से मुझे बस यही लगने लग गया कि पापाराजी यानी कि मीडिया कोई खेल है और राखी सावंत उसकी खिलाड़ी, क्योंकि जब भी इसे कोई गेम खेलना होता है तो ये पापाराजी यानी कि मीडिया वालों को बुलवा लेती है। बॉल है क्या? बॉल? अरे वो बॉल की बात नहीं कर रही है यार, ये कितनी औसम है। और अगर वो वीडियो वायरल हो जाती है तो ये जीत जाती है, और अगर वो वीडियो वायरल नहीं होती तो ये हार जाती है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा। बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हम यारों, ऐसी है बातें मत लो मुझ पे झूमे जो पठान। ईशान और राखी तो झूम रहे हैं, पर बेचारा पठान वहाँ पर अपनी जेल में ऐसी तैसी करवा रहा है। मुझे अपने घर जाना है। और ये कैसा डांस है यार, मैग्नेट की तरह हर 2 सेकंड बाद इतने पास आ जाते हैं कि इंसान के सांस लेने तक की जगह नहीं बचती। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। अगर तुम्हें कभी भी ईशान ये बोले ना कि उसकी वीडियोस में खर्चा ज्यादा होता है क्योंकि वो तुम लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर उसकी एक वीडियो में 10,000 का खर्चा होता है ना तो 9,999 रुपए उसके मेकअप में लगते हैं और बाकी जो 1 रुपए बचा होता है वो उसकी वीडियो में लगता है। और फिर भी कमाल की बात तो ये है कि इतना खर्चा करने के बाद भी इसकी शक्ल गाय के गोबर से कम नहीं लगती। और ये राखी और ईशान दूसरी दुनिया के ऐसे एलियन हैं जो डेली कपड़ों के साथ साथ लड़के और लड़कियां भी बदलते हैं, क्योंकि कोई भी लड़की या फिर लड़का इन लोगों को 24 घंटे से ज्यादा झेल नहीं सकता ना, और जो झेल जाता है उसका हाल फिर आदिल खान जैसा हो जाता है। ये दो लोग पूरी दुनिया के ऐसे लौते बोझ है जिनका ना तो कोई अंत है ना तो कोई आरंभ, बस इनकी पूरी जिंदगी भरी पड़ी है सिर्फ हवस हवस और हवस से। सोचो तुम लोग किसी पार्टी में गए हो और वहाँ पे खूब डांस कर रहे हो, और अचानक तुम लोगों के पास आते हैं ईशान या फिर राखी और वो तुम लोगों से डेट करने के लिए पूछते हैं, तो तुम लोगों का रिएक्शन कैसा होगा? गोटी, गल्टी मार।
और राखी सावंत भी ना बिल्कुल शेयर बाजार की तरह है, जो अगले ही मिनट क्या रंग बदल जाए किसी को नहीं पता चलता। और पॉपकॉर्न बड़ा वाला दे दो। ओके, आपका मोड ऑफ पेमेंट? मोड ऑफ पेमेंट मेरा मूड ही नहीं है पेमेंट के लिए। चुप, तू पहुंचा सातवीं फेल। पर शेयर मार्केट में राखी सावंत में एक फर्क भी है, एक बार को शेयर मार्केट एक जगह पर रह सकती है, पर राखी एक भी दिन कोई भी कांड करे बिना नहीं रह सकती। राखी का एक भी दिन बिना कांड करे नहीं गुजरता, ये पूरे दिन में कोई ना कोई काम जरूर ऐसा करेगी जो या तो इसकी इज्जत बढ़ाएगा। वेल डन, गालियां होनी चाहिए यार, या इसकी इज्जत डुबाएगा। वैसे ईशान को देखकर ना मुझे ये साफ समझ में आता है कि इसे फॉलोवर से ज्यादा ना दिमाग की जरूरत है। और आप लोगों को पता है कि ईशान अपनी वीडियोस में कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों रखता है? क्योंकि ये बात इसे भी पता है कि ना तो इसकी शक्ल में क्वालिटी है, ना तो इसके कंटेंट में क्वालिटी है, और ना तो इसके अंदर कोई क्वालिटी है। इमोशनल डैमेज। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना रखता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है आपको इसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।